मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। मोदी सरकार के खेल मंत्री विजय गोयल को ओलंपिक आयोजकों ने जबरदस्त फटकार लगाई है। गोयल बिना इजाजत अपने लोगों को खेल आयोजन की जगहों पर लेकर जा रहे हैं। गोयल के साथ जो लोग हैं वो अभद्रता कर रहे हैं, बदतमीजी पर उतारू हैं। ओलंपिक के आयोजकों की तरफ से ये कहा गया है कि खेल मंत्री के सहयोगियों की भाषा अभद्र और आक्रामक है। इस बारे में उनको एक ईमेल भी भेजा गया है। देखिए गोयल की शिकायत करते हुए क्या ईमेल शेफ द मिशन को लिखा गया है। ईमेल में कहा गया है, हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि अधिकृत जगहों पर खेल मंत्रालय से जुड़े लोग अनाधिकृत लोगों को ला रहे हैं। जब हमारा स्टाफ समझाने की कोशिश करता है तो मंत्री से जुड़े लोग आक्रामक और असभ्य हो जाते हैं। शेफ कमीशन राकेश गुप्ता की तरफ से बयान आया है जिसमें कहा गया है कि भारत जापान मैच के वक्त टीम ने उन्हें बुलाया था, उस वक्त उन्हें एहसास नहीं था कि इसके लिए स्पेशल पास की जरूरत है। वही दूसरी बार स्पेशल पास लेकर मिलने गए थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बेकार की बात पर विवाद बनाया गया। विजय गोयल ने भी अपनी सफाई पेश की है, लेकिन देश का नाम खराब करने के बाद ऐसी सफाई का क्या मतलब है? मेरे पे तो कोई इन्होंने निशाना नहीं साधा है कि मैंने कोई मिसबिहेव किया हो या किसी प्रकार से कोई नियमों का उल्लंघन किया हो। जाहिर तौर पर उन्होंने हमारे कुछ स्टाफ की बात की है जो मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं है। अगर ऐसी कोई बात मेरे नॉलेज में आएगी तो हम जरूर चेक करेंगे। विजय गोयल देश के खेल मंत्री हैं, इसलिए रियो में खूब इज्जत हो रही है। खिलाड़ियों को सुविधाएं मिले या नहीं, विजय गोयल की खातिरदारी में कोई कमी नहीं है। अपने खत में आयोजन समिति ने यह साफ कहा है कि अगर ऐसा बर्ताव दोबारा हुआ तो खेल मंत्री विजय गोयल का एक्रेडिटेशन खत्म कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये देश के लिए बड़ी बदनामी होगी। खेल मंत्री विजय गोयल ट्विटर पर खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाकर खुद को चमका रहे हैं, लेकिन विदेश में जाकर